क्वेश्चन है? ध्यान रखो शनै, एक बात हमेशा याद रखना, या किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि तुम्हारे रिस्ट में प्रॉब्लम है। तुम्हारे एक्सीडेंट या इंजरी के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। वैसे तो मैंने गीता जी से बात कर ली, लेकिन फिर भी किसी को पता चला ना तो तुम पे ऑब्जेक्शन उठा सकता है, तुम्हारा नाम ट्रायल्स में नहीं भेजा जाएगा। पालतू जी, आप भी इसका ध्यान रखिएगा और इसे अच्छे से गाइड करते रहिएगा। भाई साहब, इसका नाम फालतू होगा, फालतू। इसका नाम फालतू होगा, फालतू। बाबा, मैं एक दिन कोयला से हीरो बनूंगी, फिर कोई भी मुझे फालतू नहीं बुलाएगा। किसी और को तुझ पर भरोसा हो ना हो, मेरे बापू को जरूर है। वादा करो मुझसे कि तुम फालतू से अनमोल बनकर दिखाओगी, अनमोल बनकर दिखाओगी। आपकी ये बेटी एक फेमस क्रिकेटर बन के लौटेगी, इस देश की शान, आपके सर का मान बन के लौटेगी। हम यहाँ आ गए, कितना मजा आएगा। गर्ल्स, फालतू मित्तल, शनाया सचदेवा, एक तो वैसे ही तुम लोगों ने एडमिशन लेट लिया है, फिर पहले दिन इस तरह से लेट आए हो, कवर अप कैसे करोगे प्रैक्टिस को? माफ कीजिएगा सर जी, आगे से ऐसी शिकायत का मौका ना देवेंगे, टीम से पहले ही पहुंच जावेंगे। ठीक है नाउ पैड अप। मुझे आप सबका खेल देखना है, आप लोगों की ताकत और कमजोरी का पता लगाना है, उसके हिसाब से ही स्केड्यूल तय होगा। तुम सब एक बात दिमाग में बैठा लो, यहां तक तो अपने कॉन्टेक्ट्स और इन्फ्लुएंस के दम पे आ गए हो, लेकिन यहां से आगे सिर्फ और सिर्फ टैलेंट के बल पे जाओगे। प्लेयर्स को सिर्फ और सिर्फ सेलेक्ट करता हूं एक ही स्टैंडर्ड पे, और वो है मेरिट। आई होप कि तुम सब अपना बेस्ट दोगे। चलो नाउ पैड अप, कम ऑन, हरी अप। मैं यहाँ तक तो पहुंच गई हूँ, पर आगे सरवाइव कैसे करूंगी? ये कोच तो बहुत खड़ूस लग रहे हैं, हमारा प्लान दो मिनट में समझ आ जाएगा। शनाया जी, टेंशन तो मारे को भी हो रही, पर ते परेशान मत, हम लोग मिलकर कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। और अभी हमारी बात ना ध्यान से सुन, अभी से वार्म अप है तो थे जैसे तैसे कर करना संभाल, और जैसे ही वो प्रैक्टिस का समय होगा ना तो थे कोई ना कोई बहाना बनाकर वो कपड़े बदलने वाले कमरे में चले जाना, फिर मैं वहां से थारी जर्सी पहनकर निकलूंगी, ठीक है? ये रोहान जी के प्लान के हिसाब से थारे को ये मास्क हमेशा अपने हेलमेट के नीचे लगा कर रखना है। सबने यही लगना चाहिए कि ये हेलमेट के नीचे मास्क पहनकर खेलना थारी आदत है, और कोई भी कुछ पूछे तो कह देना कि थारे को धूल से एलर्जी है। सबको ये बात का विश्वास होना चाहिए कि थे बिना इसके मैदान में ना उतरोगी। उसके बाद शुरू होगा हमारा असली प्लान। ऐसा ही एक मास्क मारे पास भी होगा, इससे मारे को अपना चेहरा छुपाकर थारे नाम से खेलने में आसानी होगी। वाह फालतू, क्या सोचा है तुमने, सुपर प्लान। अब जल्दी से चलकर तैयार हो जाते हैं, इसके पहले कोच साहब और गुस्सा करें। चल एक मिनट शनाया जी, थे चलो मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। हेलो मार्ट साहब, पहुंच गए? हाँ फालतू, बस अभी अभी पहुंचा हूँ, सीधा मार्ट ही जा रहा हूँ। तुम बताओ पहुंच गई, एकेडमी कैसी है? एकेडमी तो बहुत ही अच्छी है, हम लोग बस अभी पहुंचे हैं, अब वार्म अप की तैयारी शुरू होगी। वेरी गुड, अच्छे से करना वार्म अप। और कोच वो कैसे? अभी तो थोड़े गुस्से वाले और खड़ूस लग रहे हैं, पर बाकी सब तो बाद में पता चलेगा ना, धीरे धीरे। ऐसे खुश तो बहुत होगी ना तुम? नहीं, कोच जो मिल गए वो भी मुझसे अच्छे, अब तो फालतू भूल जाएगी अपने मार्ट साहब। ऊपर से मैं मुंबई में भी नहीं हूँ कि मेरा चेहरा देख के तुम्हें मेरी याद आ जाए। मार्ट साहब थे भी ना, कैसी बातें करते हो, थे भी कोई भूलने वाली चीज हो के? आज मैं जो कुछ भी हूँ थारी वजह से तू, है नहीं मारे को यहाँ आने लायक बना है, थे ही मारे सब कुछ हूँ मार्ट साहब। फालतू मित्तल, लगता है तुम्हारे पास कुछ ज्यादा ही टाइम है वेस्ट करने के लिए, अब पैर अप। हेलो मार्ट साहब, को सब ना बहुत गुस्सा कर रहे हैं, मैं थारी से बाद में बात करती हूँ। ओके 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 ओके, अच्छे से करना, ख्याल रखना अपना, हाँ, और छक्के छुड़ा देना सबके। ऑल द बेस्ट फालतू, थारी को थे भी सबके छक्के छुड़ा दे, बाय बाय।
ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? तुमने इन लोगों को समझाया नहीं कि हमारा इनसे कोई रिश्ता नहीं? मैंने इन्हें समझाया, लेकिन पता नहीं फिर भी ये लोग रोज मुंह उठाकर यहाँ आ जाते। अंकल मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। लेकिन मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, जाओ यहाँ से। भाई साहब इतने भी क्या बेरुखी, बच्ची है बेचारी, कुछ बोलना चाह रही है, एक मौका तो दे दीजिए प्लीज। क्यों दे मौका? और तुम दोनों को एक बार में बात समझ में नहीं आती है क्या? कितनी बार तुम दोनों को कहना पड़ेगा कि हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं है? मैं जानती हूँ हमने जो गलतियाँ की हैं उसकी माफ़ी इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली है, लेकिन हम जिस घर में खड़े हैं वो घर हमारा नहीं बल्कि रूहान का है। रूहान ने ये घर अपनी बहन की खुशी के लिए खरीदा है, और वो हमें इस घर में रहने के लिए इसलिए इजाज़त दे रहा है क्योंकि शनाया फालतू को पसंद करती है। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? आप सब लोग शनाया के मूड स्विंग्स के बारे में जानते हैं। जब शनाया का फालतू से मन भर जाएगा तब रूहान हमें इस घर से निकाल दे। वो हमारी मजबूरी नहीं समझेगा, कुछ भी नहीं समझेगा। देखिए हम लोगों को पता नहीं कि रूहान कब क्या करेगा, लेकिन आगे वो जो भी करेगा हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। आप लोग प्लीज एक बार तनु की बात सुन लीजिए, उसके पास एक प्लान है, प्लीज लिसन टू हर वन। ओह सीरियसली सर, तुम इस घर की भलाई के बारे में कितना सोचते हो ये हम सबको पता है, और जब हम तुमसे कह रहे हैं कि हमें तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है तो ये नाटक करना बंद क्यों नहीं कर देते तुम लोग? हमें जो करना है हम करेंगे, तुम जाओ। वैसे भी सिड हमारा यहाँ परमानेंटली रहने का कोई भी प्लान नहीं है, सिर्फ तब तक जब तक कोई हमें दूसरा घर नहीं मिल जाता। एग्जैक्टली, मैं भी तो यही कह रही हूँ, दूसरा घर। मॉम अंदर आइए प्लीज। सर आपने बुलाया? एक कटिंग चाय ले आओ। कटिंग चाय? क्यों कटिंग चाय का मतलब नहीं समझते? जो कांच के ग्लास में आती है टपरी वाली, वो। सर वो तो मैं समझ गया, लेकिन आज कटिंग चाय। सर आप तो कॉफी पीते हैं ना? हाँ लेकिन आज मन है, अब जल्दी करो कहीं इससे पहले मन ना बदल जाए। ठीक है सर मैं लाता हूँ। फालतू के घर में सब इसे कितना प्यार करते हैं, कोई इसे छोड़ना ही नहीं चाहता था। सबको फालतू चाहिए, कुछ खाना है तो फालतू, कहीं जाना है तो फालतू, कुछ अच्छा हुआ तो फालतू, कुछ बुरा हुआ तो फालतू। याद मुझे क्या हो गया, मैं क्यों सोच रहा हूं उसके बारे में? आपकी चाय। थैंक यू। कुछ बात तो है इस फालतू में। ये यहाँ क्या कर रही है? अंकल प्लीज रिलैक्स, मेरी तरह मॉम को भी अपने किए पर पछतावा है। पछतावा? मॉम बोलिए। मैंने अब तक जो भी किया है उसके लिए आई एम रियली सॉरी जे, लेकिन मैं अपनी गलतियों के लिए भरपाई करना चाहती हूँ। मैं आप लोगों के लिए घर खरीदना चाहती हूँ। वैसे तो यही घर खरीदना चाहती थी लेकिन रूहान ने इसे बेचने से मना कर दिया। लेकिन सामने एक बंगलो है जो अभी भी बना है, मैं वो बंगलो आप लोगों के लिए खरीदना चाहती हूँ। बस जे तुम एक बार हाँ कह दो फिर वो डील लॉक हो जाएगी। ये तुम्हारी कौन सी नई चाल है कनिका? चाल नहीं आंटी, खुशी है। मेरी तनु सेठ के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ा रही है, इसलिए मैं भी पुरानी सारी बातों को भुलाकर आप लोगों के साथ एक नए रिश्ते की शुरुआत करना चाहती हूँ। आई नो मेरी आंखों पर मेरी बेटी के प्यार की पट्टी बंधी थी, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। वैसे भी तनु है तो इसी घर की बहू ना ही आप लोगों से बहुत प्यार करती है, और उसी प्यार को पाने के लिए ये गलत रास्ते पर चली गई थी, लेकिन अब ये सही रास्ते पर चलना चाहती है। और अपनी बेटी की खुशी के लिए और अपनी की हुई हर गलती के लिए मैं आप सब से, आप सभी से माफी मांगती हूँ। प्लीज मुझे बस एक मौका दे दीजिए अपनी गलती को सुधारने का। हमें तुम्हारा कोई एहसान नहीं चाहिए कनिका। अगर तुम्हें अपनी बेटी की इतनी फिक्र है तो बेशक इसे यहाँ से ले जा सकती हो। जे प्लीज ये बात सिर्फ मेरी बेटी की नहीं है, तुम्हारी और आंटी की तबीयत ठीक नहीं है। आयान भी जे एम मार्ट में रूहान के अंडर काम कर रहा है,
और इस घर की छत कब तक आप लोगों के सर पर रहेगी कोई नहीं जानता। जे आई रियली वॉन्ट कि इस हालात में तुम टेंशन मत लो बस। कनिका हम बात को यहीं पर खत्म करते हैं। ये तो अच्छा है कि फालतू और अयान घर पर नहीं है इस वक्त, वरना बात कुछ और हो जाती। अयान को जेल भेजा तुमने, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है जो एक गिफ्ट देकर तुम सुधार सको। जाओ यहां से, खड़े खड़े मेरा मुंह मत देखो। कैच, वेरी गुड। सना, फालतू, वेरी नाइस। सना, सुनाया क्या हुआ? तुम्हारे राइट हैंड में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। फिर तुम्हारे कैचेस स्मूथ क्यों नहीं लग रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि रिस्ट ठीक से मुड़ नहीं रही है, दिखाओ मुझे। अरे सॉरी सर जी, वो वार्म अप करते हुए ना हमारा पैर फिसल गया। सर जी हम वैसे बैटिंग कब से करेंगे? वो भी देखेंगे, जाओ हेलमेट पहन के आओ, फिर तुम्हारी बैटिंग देखते हैं। सर जी अब आवेगा ना मजा, है ना? अब पर उसके पहले मैं बाथरूम होकर आ सकती हूँ क्या? जल्दी आ जाऊंगी। जाओ। धन्यवाद सर जी। फालतू, जल्दी जाओ, हेलमेट पहन के आओ, सना के साथ तुम्हारी बैटिंग है। तुम दोनों देख क्या रही हो? स्टांस लो। अब वो सर जी, मैं सोच रही थी कि पहले दो तीन खिलाड़ियों ने खेलते हुए देख लूं, उसके बाद मैदान में उतरूं। वो क्या है ना, मैं पहली बार इतने अच्छे खिलाड़ियों के बीच खड़ी हूँ तो आरे को अंदर से बहुत घबराहट हो रही है। आज वार्म अप मैच में ये हाल है तो आगे कैसे हैंडल करोगे? ऑलवेज रिमेम्बर, जिंदगी बार बार मौके नहीं देती है। अगर इस बार मौका दे रही है तो यह कहकर टाल दो कि अभी मैं तैयार नहीं हूँ। यू नेवर नो ये मौका फिर से लौट के आएगा कि नहीं। एक स्पोर्ट्स पर्सन हमेशा दूसरे मौके के भरोसे नहीं बैठता। रोहान जी के साथ डील करते हुए इस बारे में तो सोचा ही ना मैंने कि अगर कभी साथ में खेलने बुला लिया तो क्या करूंगी। सोचने में सब कितना आसान लग रहा था, पर अब रोज रोज नए बहाने कहाँ से लावेंगे जगह बदलने के लिए। जानू सर जी, मैं थारी बात समझ रही हूँ, पर पता ना क्यों आज अचानक मारे साथ ऐसा हो रहा है, पहली बार ही हो रहा है। बस आज मारी बात समझ लो, आज मारे को एक मौका दे दो। कल से पहली बैटिंग के लिए भी बोलोगे ना तो भी मैं हिचकिचाऊंगी ना। प्लीज सर जी। कमाल है तू भी, यहाँ हम मारे जा रहे हैं सर, हमें एक मौका दे दे अपना गेम दिखाने का, और तुझे सामने से मौका मिल रहा है, तू मना कर रही है, ऐसा कौन करता है? मैं मना ना कर रही हूँ, मैं बस तीन चार खिलाड़ियों के बाद जाना चाहूँगी। आरे से शनाया जी के लिए झूठ बोलकर ना खेला जा रहा, पर अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी तो रूहान जी हमारा पूरा परिवार तबाह कर देंगी। सर जी पारे को ना बिल्कुल अच्छा महसूस ना हो रहा है, एकदम उल्टी जैसा लग रहा है, और मारी दिल की धड़कन ना एकदम रेलगाड़ी जैसे भाग रही है, समझ ना आ रहा क्या करूं। पर थे लोग चिंता मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगी। हमारे साथ ना अक्सर ऐसा परीक्षा के बीच में होता था। अब पर सर जी देख करवाओ ना प्रैक्टिस, प्रैक्टिस नहीं रुकनी चाहिए। मैं आती हूँ। जाओ वॉशरूम जाओ, और जब मन हो तभी आना। सुना है, तक तुम शुरू करो। सुना है, तुम इतनी गर्मी में ब्लैक मास्क क्यों पहन रही हो? अब वो सब खेलते वक्त मुझे पसीने से और मेटल के कॉम्बिनेशन से एलर्जी है, तो फेस पर लगाना पड़ता, नहीं तो शाम तक पूरा फेस खराब हो जाएगा। आप टेंशन मत लीजिए, मैं ठीक हूँ। ओके, ठीक है, चलो पैड अप करो, हेलमेट पहन, खेल शुरू करते हैं। गर्ल्स, ऑन रेडी? सर, मुझे लगता है मुझे वॉशरूम जाना पड़ेगा, मैं दो मिनट में आ जाऊंगी वापस। जाओ, तुम भी जाओ, जाओ। और किसी को वॉमिटिंग आ रही है क्या? चलो तैयार हो जाओ, कम ऑन। फालतू, माता रानी का लाख लाख शुक्रिया शनाया जी के थे आप।
हमारी ना सांस ही अटक गई थी। ये अदला बदली का खेल बहुत जोखिम वाला है, हमसे थोड़ी भी चूक हो गई ना हम लोग बहुत बुरा फंस जावेंगे। क्यों गए शनाया जी, ऐसे हंस क्यों रही? तुम इतने स्ट्रेस क्यों ले रही हो? कितना तो मजा आ रहा है यहाँ। यहाँ मारा डर के मारे खून सूख रहा, ख्यारे को बड़ा मजा आ रहा है। अभी फंस जाते तो पहले दिन ही छुट्टी हो जाती ना। पर फंसे तो नहीं ना, बात समझ गई और आगे भी समझ जाएगी। मुझे तो ये एक्साइटमेंट फील करके ही ना अंदर ही अंदर गुदगुदी हो रही है। तो जल्दी करो प्रैक्टिस पर जाओ, नहीं तो पता चला कि सर हमें ढूंढते ढूंढते यहीं आ गए। फालतू, अब क्या हो गया? तुम कुछ भूल रही हो क्या? याद रखना अब से तुम ग्राउंड पर फालतू मित्तल नहीं, शनाया सचदेवा हो। भूल गई क्या? ये चूड़ा, मंगलसूत्र और सिंदूर ये सब पहनकर जाओगी तो लोग पहचान लेंगे। और ये जर्सी? पर शनाया जी, ये सब मैं कैसे उतार सकूं? ये हमारे मार्ट साहब की निशानी। फालतू, व्हाई यू बीइंग सो ओल्ड फैशन? अगर तुम ये सब उतार भी दोगे तुम तब भी शादीशुदा रहोगी। और बात को समझो फालतू, मेरे हाथ में तुम चूड़ा या फिर गले में मंगलसूत्र देख रही हो तो मिनट में पकड़े जाएंगे हम। प्लीज तुम चेंज कर लो, मैं अभी आती के मंगलसूत्र अब हो गई थे हमारी जन्मों जन्मों के लिए। सोचा था कि दोबारा सिंदूर छुपाने की नौबत आ जावी। माफ कर देना मार्ट साहब। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।